हेलो 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 हेलो। अब हम आज किचन में बनाने जा रहे हैं सोयाबीन नगेट्स, सोयाबीन चंक्स यू कैन से, एंड विद वेजिटेबल्स, कैरेट, गाजर, बेल पेपर, राइट, लाल वाली शिमला मिर्च आप ऐसा कह सकते हैं, फ्रेंच बीन्स और ये येलो ऑरेंज बेल पेपर, पीली वाली शिमला मिर्च ऐसा मैं कहती हूँ बहुत बार। सोयाबीन आपने देख ही लिया है और ये है कैप्सिकम, ग्रीन शिमला मिर्च हरी वाली आसानी से मिल जाती है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप स्किप करना चाहें या आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कैसे करेंगे या क्या करें सोचने जैसा, बेफिक्र स्किप कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते वो भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक है, इसका जो मसाला है वो है दही। सो दही वाले सोयाबीन नगेट्स बनाने जा रही हूँ मैं, और सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है। वीडियो बनाने का ख्याल बाद में आया तो इसलिए थोड़ा सा सब कुछ आपको रेडी रेडी दिखेगा। और ये कढ़ाई है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है, क्योंकि हमारे घर में 5-7 लोग हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी होती है। तो ये पहला प्रोडक्ट ही तड़का लगाने के लिए, जीरा क्यूमिन सीड्स एंड द फेनल सीड्स, सौंफ। तो ये जीरा और ये सौंफ छोटा छोटा, और ये करी पत्ता, मुझे करी पत्ते का टेस्ट बहुत पसंद है इसलिए, नॉट नेसेसरी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। करी पत्ता अपने आप में म्यूजिक देता है तेल में पड़ते ही, तो इसलिए मैं ऐसे ढक देती हूँ। और ये हरी मिर्च 2, उसके बाद में इसमें पड़ेगा अनियन, प्याज आप इसे चाहे तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे, 3-4 मिनट सुनहरा होने तक। हाँ, क्योंकि ये म्यूजिक देता रहेगा इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं। हार्डली मुझे लगता है 3 मिनट में हो जाना चाहिए। सो 3 मिनट बाद इसका प्रोसेस और शुरू होगा। इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे और बनाएंगे हमारा दही वाला सोयाबीन, दही वाले आलू की तरह। सो बैक टू कढ़ाई, और ये देखिए ये कैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा देर से पकने वाला पदार्थ, कैरेट, और सारी सब्जियां डालेंगे वैसे। और फिर इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए ऑलमोस्ट, और 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे लाल वाली शिमला मिर्च, येलो वाली शिमला मिर्च, और सबसे लास्ट में पड़ेगा सोयाबीन। सो मेरे ख्याल से 30 सेकेंड हो गए हैं, और कैरेट ने अपना कलर बदल दिया है, देख रहे हैं आप, ऑरेंज से ये व्हाइटिश ऑरेंज हो रहा है, ये जा रहा है येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर एंड दी फ्रेंच बीन, ये मैंने पहले से काट के धो के रखा हुआ है, मतलब धो कर फिर काटा है सीधे कलर। ऐसे कहते हैं खाने में भी जितने ज्यादा कलर्स हो वो उतना आपके लिए हेल्दी होता है, जितने ज्यादा पॉसिबल कलर्स आप ऐड कर सकें, मतलब फूड कलर या खाने वाला कलर नहीं, सब्जियों में जो कलरफुल सब्जियां होती हैं उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल हो वो अच्छा होता है। अब हम डालेंगे इसमें हरी वाली शिमला मिर्च, और इसे फिर हम ढक देंगे
एक मिनट के लिए। टोटल 20 मिनट का प्रोसेस है, सो 20 मिनट्स आई एम फुट इट स्ट्रेच। एक मिनट बाद, हाँ जी, तो एक मिनट हो गया और ये मैंने अपना पिटारा खोल लिया है सब्जियों वाला, और अब इसमें पड़ेगा सोयाबीन। ये 2 घंटे भिगो कर रखा हुआ है, पानी निकाल दिया गया है, ड्राई है। ये सब्जी भी वैसे ड्राई बनेगी, आप चाहें तो इसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। अभी मैं इसकी ग्रेवी का पोर्शन बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। और देखिए इतना कलरफुल, यामी, देखने में ही खूबसूरत लग रहा है, हेल्दी तो है ही है बिकॉज ऑल द वेजिटेबल्स। सो वंस अगेन विल कीप इट दिस ढककर नेक्स्ट फॉर 3 मिनट्स। हमारा सोयाबीन भी अच्छे से भुन गया है, देखें सोयाबीन भी यू सी दिस स्टनिंग ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। ऑल दिस इज ऑन द मीडियम फ्लेम, मध्यम आंच पर पकाया जा रहा है, और थोड़ा इसको अभी आंच तेज करके फ्लेम हाई करके इसे फटाफट मैं 30 सेकेंड के लिए भुनूंगी और उसके बाद में इसे निकाल दूंगी और हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। वैसे आप चाहें तो इसमें नमक और चाट मसाला डालकर ऐसे भी खा सकते हैं, स्पेशली पीपल हु आर फॉलोइंग डाइट, क्योंकि प्रोटीन तो है ही है, वेजिटेबल्स भी हैं। चलो जी, तो ये हो गया और अब हम इसको जा रहे हैं निकालने। मैं दूसरा बर्तन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए अदरवाइज अगर आप जल्दी में हैं और चाहें तो दूसरे बर्तन में सेमीटेनसली ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो ये निकल गया और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ऑयल, सॉरी, हाँ जी, तो ये डाला जाएगा ऑयल। दो चम्मच, 3 चम्मच तेल, और गर्म होने देते हैं इसे थोड़ा सा, और तब तक हम ग्रेवी बनाएंगे। और ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम दही, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, बस। और ये हम इसको मथेंगे। दो मिनट अच्छे से मथेंगे ताकि लम्स ना आए, गांठे ना पड़े। और ये हमारा आज का ग्रेवी, खाने की जान, सब्जी की जान, दही वाले सोयाबीन, जैसे दही वाले आलू बनते हैं, काफी मिलती जुलती रेसिपी है वो, वैसी, बट इट्स वेरी टेस्टी। तो ये मैंने इसे मथ लिया है अच्छे से, बहुत सारे लोग मशीन से भी करते हैं, हैंड मिक्सी जो आती है, बट मैं थोड़ी सी देसी हूँ तो मुझे ऐसे करना अच्छा फील होता है, वैसे एक्सरसाइज भी हो जाती है, देखिए अच्छे से, यू नो द प्रेशर पॉइंट्स। सो मेरा प्रेफरेंस होता है हमेशा एक काम में 3 काम, मल्टीटास्क करूँ मैं, एक काम में 3 काम हो जाए। तो ये करीब 2 मिनट तक मैंने इसे मथ लिया है और अब ये जाएगा उसी तेल में, उसी कढ़ाई में जो हमने, देखिए क्योंकि हमने पहले ही जीरा वीरा सब डाल दिया है मसाला, तो ये छींटे आपके ऊपर ना आए इसलिए एक हाथ में आपका ढक्कन रेडी होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप सब्जी के साथ साथ खुद भी कलरफुल हो जाएंगे लाल पीले नीले। हाँ जी, तो अब दही क्योंकि फटे ना, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली 2 मिनट तक चलाते रहना है, और ये बचा कुचा सब निकाल कर डाल देना है।
में भी स्लो गैस पे चलाते हुए 2 मिनट तक भुनना है। दही और जो दही ने पानी छोड़ा होगा वो सेपरेट हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद में हमने जो मसाला इन द सेंस सोयाबीन वेजिटेबल सब भून कर रखा हुआ है विच इज 60% रेडी टू ईट, वो इसमें ऐड करेंगे और 5 मिनट तक उसे पकाएंगे। तो अब मैं इसे 2 मिनट तक ऐसे चलाते रहूंगी, आप भी ऐसे 2 मिनट तक चलाते रहें और उसके बाद में उसे 2 मिनट के लिए ढक दें एकदम स्लो गैस पर। दही फटेगी नहीं और आपकी ग्रेवी जो है वो ज्यादा सुंदर बनेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी होगी। सो लेट्स सी आफ्टर 2 मिनट्स। सो बैक और ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी, दही सेपरेट हो चुका है और तेल सेपरेट हो चुका है, ये दही फटा नहीं है, देख रहे हैं आप। सो दही फट जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब मैं करूंगी गैस तेज फ्लेम हाई और ये डालूंगी इसमें टमाटो। एज आई सेड आई लाइक कलरफुल थिंग्स सो आई एम पुटिंग टमाटो, इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन स्किप ऑल्सो। और साथ में अपने ये वेजिटेबल्स जो हमने भून के रखे हुए हैं। ये हो गई हमारी सब्जी रेडी, ग्रेवी वाली सब्जी। कलरफुल, हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स, टेस्टी एज वेल। लोग इसे, अगर आप और थोड़ा सा ग्रेवी चाहते हैं तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने 200 ग्राम दही लिया था और उसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक डालकर उसे मथ लिया था, मिक्स कर लिया था ग्रेवी के लिए, आप उसे बढ़ा सकते हैं। नो गार्लिक नो ऑनियन रिक्वायर्ड, सो एनीबडी कैन ट्राई, जो लोग नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इसमें से स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रोटीन के लिए सोया चंक्स, सोया नगेट जो भी कहते हैं आप, सोयाबीन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स में भी ये बना सकते हैं। सो थाउजेंड ऑफ ऑप्शंस, इट्स डिपेंड्स एवरीबडीज लाइक। सो आई लिव इट दिस, मैं इसको ढककर रखूंगी 5 मिनट के लिए और उसके बाद में मेरी ये सब्जी, बस नमक डाल देती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने नमक पहले डाला हुआ है पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम होगा इसलिए ये थोड़ा सा नमक 5 मिनट के लिए इसे ढककर रखूंगी और उसके बाद में मेरी सब्जी होगी रेडी टू ईट। सो सी यू गाइस आफ्टर 5 मिनट्स विथ माय सब्जी। हाँ जी, तो हो गए हैं पूरे 7 मिनट और अब हम इसे देखेंगे। मेरे ख्याल से तो हो ही गया होगा पूरा, बेसिकली पकाने की कोई खास वजह नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। और ये देखिए सारे मसालों ने मिलकर दही ने ग्रेवी तैयार की है और ये हो गई हमारी सब्जी कंप्लीटली रेडी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी और हम खाएंगे सोयाबीन की सब्जी विद गरम गरम फुलके। और आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। जब कुछ ना कर सके तो ऐसे ही कुछ कर लीजिए। चलो जी, सी यू।